हेलो बच्चों, आज हम एक स्टोरी देखेंगे जिसका नाम है द फॉक्स एंड द क्रो, यानी कि लोमड़ी और कौवा। तो स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है ना, और शिक्षा भी इससे कुछ मिलती है। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। अ क्रो स्टोल अ पीस ऑफ चीज़। एक कौवा था, वो कहीं से एक पनीर का टुकड़ा उठा लाया है ना। ही फ्लू अवे एंड सेट ऑन अ ट्री। और उठा के उसको ले आया और सोचा कि कहीं आराम से बैठ के खाऊंगा, तो उड़कर आया और एक पेड़ के ऊपर बैठ गया। आकर ये आप देख पा रहे हैं ना पिक में। अ फॉक्स केम देयर। तो वहाँ पर क्या होता है, घूमते घूमते एक लोमड़ी आ जाती है। शी वॉन्टेड टू ईट द पीस ऑफ चीज़। और वो चाहती थी कि उस पनीर के टुकड़े को वो खा जाए। सो शी सेड टू द क्रो, मिस्टर क्रो यू सिंग वेल। तो उसने क्या कहा क्रो से कि क्रो भाई तुम तो बड़ा अच्छा गाते हो, है ना। उसने सोचा कि अब ये ऐसे तो देगा नहीं मुझे खाने के लिए, तो कुछ ना कुछ उपाय सोचा जाए। तो उसने दिमाग लगाया और सोचा कि इसकी तारीफ़ की जाए, तब तो ये मुझे देगा ना खाने के लिए। तो उसने वही किया। तो कहता क्या है, प्लीज़ सिंग मी अ सॉन्ग, इट प्लीज द क्रो। उसने कहा कि कृपया मेरे लिए गाना गाओ ना, है ना। और इससे क्या हुआ, जो कौवा था ना, उसको बड़ी खुशी हुई सुन के, वो बहुत खुश हो गया, है ना। बहुत सी उसने तारीफ़ कर दी कि कौवे भैया तुम तो बड़ा अच्छा गाते हो, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। इस तरह से ही ओपन्ड हिज माउथ एंड क्राइड। उसने अपना मुंह खोला और चिल्लाया काओ काओ ऐसे करके, है ना। द पीस ऑफ चीज़ फेल डाउन। और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, तो जो पनीर का टुकड़ा था ना, वो नीचे गिर गया। द फॉक्स पिक्ड इट एंड एट इट। और जो चालाक लोमड़ी थी ना, उसने वो खा लिया और खाकर वहाँ से चली गई। तो क्या मिलती है शिक्षा इससे, बिवेयर ऑफ फ्लैटरी। फ्लैटरी यानी कि जो लोग आपकी चापलूसी करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं ना, झूठी तारीफ, उनसे हमें हमेशा बचकर रहना चाहिए। उनकी झूठी तारीफ़ों के चक्कर में आकर हम लोग अपना नुकसान कर लेते हैं। तो ऐसे चापलूस लोगों से हमें बच के रहना चाहिए, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी।